जय करवा। चौथ माता दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। भक्तों, कई वर्षों बाद एक दिव्य दुर्लभ और अद्भुत संयोग में 2024 में करवा चौथ पढ़ने जा रही है। दोस्तों, करवा चौथ 2024 में कब है और कब निकलेगा चांद और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त और सर्गी के समय क्या खाना है कौन देता है जानिए सब कुछ ज्योतिष के अनुसार। भक्तों, भारत में हिंदू धर्म ग्रंथों, पौराणिक ग्रंथों और शास्त्र आदि के अनुसार हर महीने कोई न कोई उपवास, कोई न कोई पर्व त्योहार या संस्कार आदि आता ही रहता है। लेकिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो व्रत किया जाता है उसका सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत अधिक महत्व होता है। दरअसल इस दिन को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। भक्तों, अगर जिस महिला की शादी हो गई है तो ऐसे में अगर आपका पति भी इन तीन चीजों को पहनने के लिए बोले तो आप तुरंत मना कर दें। उससे पहले भक्तों जान लेते हैं करवा चौथ का सही मुहूर्त और करवा चौथ की सही तारीख के बारे में। दोस्तों, 2024 में इस बार करवा चौथ अक्टूबर के महीने में यानी 20 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन रविवार है और पूजा करने का मुहूर्त है। करवा चौथ की पूजा के लिए 1 घंटा 16 मिनट तक शुभ मुहूर्त है। पूजा का शुभ समय शाम को 5:46 से लेकर शाम 7:02 तक है। यह पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करना है और इस साल करवा चौथ के अवसर पर चांद निकलने का समय शाम 7:54 पर है। इस समय से आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकती हैं। उसके बाद पारण करके व्रत को पूरा कर सकती हैं। व्रत के दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होगा और वरियान योग होगा। भक्तों, एक शादीशुदा महिला को भूलकर भी इन तीन चीजों को कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। आज हम महिलाओं से संबंधित खुल्लम खुल्ला साफ साफ 8 से 10 बिंदु बताने वाले हैं जो कि हर पति पत्नी को एक बार तो जरूर सुनना चाहिए। शादी हो जाने के बाद पति पत्नी 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। पति पत्नी शादी हो जाने के बाद अपनी जवानी को ठंडा करने के लिए संभोग करते हैं, परंतु कई महिलाएं नए रिश्ता नई नई जवानी में पति के द्वारा कई ऐसी चीज लाई जाती है पत्नी के लिए जो कि पत्नी गलती से उन चीजों को पहन लेती है। उस समय पत्नी को पता नहीं होता है कि इन तीन चीजों के पहनने से पति की मृत्यु शीघ्र ही हो जाती है। आज यह वीडियो पति पत्नी को बड़े ही ध्यान पूर्वक देखना चाहिए। आपको बता दें कि आज के इस आधुनिक दौर में शादीशुदा महिला कई ऐसी चीजों को पहन लेती हैं जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता है। यहां तक कि शास्त्रों में भी यह नहीं लिखा होता कि कुछ भी पहन लिया जाए। ऐसे में उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यहां तक कि परिवार, रिश्ते और पति की जान भी चली जाती है। तो ऐसे में जानते हैं कि आखिर वे तीन चीजें कौन सी हैं जो महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूं, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से जय जय बजरंग बली। भक्तों, हिंदू धर्म में विवाह के बाद हर स्त्री के लिए 16 श्रृंगार बहुत मायने रखता है। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदियां, हाथों में चूड़ियां, पांव में पायल और बिछिया। यह धारण कर जब एक लड़की अपने घर को छोड़ किसी दूसरे घर में प्रवेश करती है तो उसके जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। श्रृंगार एक स्त्री की सुंदरता में 4 चांद लगाता ही है, साथ ही यह एक स्त्री के जीवन में परिवर्तन और समाज में उसकी पहचान को एक नए रूप में प्रस्तुत करता है। केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी 16 श्रृंगार का महत्व माना जाता है। 16 श्रृंगार में उपयोग होने वाला सामान किसी भी सुहागन स्त्री के वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें प्रयोग की जाने वाली हर चीज का अपना एक अलग महत्व होता है। हिंदू धर्म मानने वाली प्रत्येक सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के साथ 16 श्रृंगार धारण करती है, परंतु कई ऐसी चीज होती है जो कि महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तु शास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है, कोई भी व्यक्ति वास्तु शास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने पर विश्वास ही नहीं करता है। इसीलिए भक्तों, सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। वीडियो को आगे बढ़ते हैं। आपके पास अभी जितने भी काम है उनको साइड में रख दीजिए। ध्यान पूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। नंबर 1,
शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफेद रंग का वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। आपको बता दें कि आजकल के फैशन के युग में महिला सुंदर दिखने के लिए काफी ऐसी हदें पार कर देती हैं जिसके बारे में सोचना भी पाप के बराबर है। वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफेद रंग की साड़ी या सूट कभी नहीं पहनना चाहिए। इसके पीछे का कारण यह है कि सफेद रंग की साड़ी को पहनने से पतिव्रता धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है और उनके रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है, क्योंकि यह लिबास विधवा होने का है। ऐसे में आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती है, इसीलिए हो जाएं सावधान। वहीं अगर आप सफेद रंग का वस्त्र पहनना चाहती हैं, तो ऐसा पहनें जिसमें कुछ और रंग भी जरूर हो, लेकिन एकदम सफेद रंग का कपड़ा कभी न पहनें। नंबर दो, इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछियां पहन लेती हैं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। पैरों में सोने से बनी हुई चीजों को पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है और जिसके कारण आपके परिवार से रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारी परेशानियों का आगमन भी हो सकता है। इसीलिए सोने को पैर में कभी न पहने। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है, इसीलिए हो जाएं सावधान। नंबर तीन, सिंदूर और मंगलसूत्र का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर और मंगलसूत्र के बिना शादी अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें, ये तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे वे अपने पति की खुशी से जोड़ती हैं। ऐसे में अगर जो महिला विवाहित होकर भी सिंदूर ना लगाएं, तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना गया है और आपके इस पवित्र रिश्ते को और व्यक्ति मनहूसियत का नाम दे सकते हैं। इसीलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है। वहीं मंगलसूत्र का भी बड़ा महत्व है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही ना लगा हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती और काला हिस्सा भगवान शिव माना गया है। शास्त्रों के अनुसार शादी होने के बावजूद भी जो महिलाएं मंगलसूत्र न पहनती हैं, तो सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक लग सकता है, इसीलिए एक शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है, तो कम से कम गले में काला धागा तो पहन सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर सिंदूर में एक ऐसी चीज रख दी जाए जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहद शुभ हो? क्या आप ऐसी चीज के बारे में जानते हैं? अगर नहीं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो सिंदूर की डिब्बी में रखनी चाहिए और जो वह कई कार्यों में बहुत शुभ है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर लगाने के कई नियम होते हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बनाए गए हैं, सभी सुहागिन महिलाओं को इन नियमों का विधिपूर्वक पालन करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। जो महिलाएं सिंदूर के नियमों का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को धन तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वे कौन से नियम हैं जिनका पालन हर महिलाओं को करना चाहिए। नंबर एक, सिंदूर का गिरना बहुत ही अपशगुन माना जाता है, इसीलिए हमें हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रखेंगी, तो बच्चे इसे हाथ लगाएंगे और यह गिर सकता है। नंबर दो, मांग के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेन के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध हैं, लेकिन वे लगाने अच्छे नहीं होते। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर गिर जाता है, तो माथे से सिंदूर का गिरना बहुत शुभ होता है, तो इसका मतलब है कि आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। नंबर तीन, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने न लगाएं। जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगाते हैं, तो आपके पति को नजर लग सकती है और आपका प्यार कम हो सकता है। नंबर चार, अगर गलती से कभी आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है, तो उसे इकट्ठा करके नाली या इधर उधर न फेंके, सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें। नंबर पांच, अगर आप सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगता है, तो आप अपनी उंगलियां माचिस की तीली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में मिक्स करके माथे पर लगा लें। इससे सिंदूर न ही फैलेगा और न ही आपके चेहरे पर गिरेगा। नंबर छह, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर ही लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचें।
लेकिन वहीं अगर किसी का दिया हुआ सिंदूर अगर कोई महिला लगाती है तो इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है, जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी। और साथ ही धन वैभव की कमी और पति को किसी भी तरह से सफलता ना मिलना, घर में क्लेश का वातावरण रहना, घर में इस प्रकार का वातावरण बन जाता है। नंबर 7, इसके साथ ही कभी भी महिला को बगैर नहाए मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा लें और पूजा पाठ कर लें, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाए। सिंदूर लगाते समय सदैव आप अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता के बारे में ही सोचें, इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल एवं शक्तिशाली बनता है। नंबर 8, सुहागिन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ है। केवल अपने पति का दिया हुआ सिंदूर ही लगाएं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ है। नंबर 9, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो परंतु शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपनी मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 10, घर में अगर किसी भी तरह के सूतक है या आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो आप सिंदूर न लगाएं, क्योंकि ये सिंदूर का अपमान होता है। इसके साथ ही मां लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश भी नहीं करती है। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कई काम करने की मनाही होती है, जैसे रसोई में जाना, अचार छूना, पूजा पाठ करना या मंदिर जाना आदि। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि पीरियड्स के दौरान महिला द्वारा तुलसी में जल डालने से तुलसी का पौधा सूख जाता है, क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का संचार अधिक होता है। इस ऊर्जा को भगवान सहन नहीं कर पाते, इसलिए पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ करना या मंदिर जाना वर्जित है। दोस्तों, प्राचीन काल में मंत्रोच्चार और अनुष्ठान के बिना पूजा अधूरी मानी जाती थी, इसमें बहुत समय लगता था। दोस्तों, पीरियड्स के दौरान महिलाओं को इतनी देर बैठकर पूजा पाठ व अनुष्ठान करने में समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए उन्हें इन 5 दिनों तक पूजा पाठ से दूर रखा जाता था। दोस्तों, यदि 2 पीरियड्स के अवधि 7 दिन है तो 8वें दिन मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है। वैसे यदि हम ज्योतिष की माने तो आम तौर पर पीरियड समाप्त होने के बाद 5वें दिन आप मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं। दोस्तों, व्रत के बीच में ही अगर किसी महिला के पीरियड्स आ जाएं तो ऐसे में महिला को अपना व्रत पूरा करना चाहिए। पीरियड्स के दौरान भी मन में भगवान के प्रति आस्था कम न हो। भगवान के लिए मन की शुद्धता सबसे ज्यादा जरूरी है, शारीरिक शुद्धता बाद में आती है। दोस्तों, व्रत के दौरान अगर किसी विशेष पूजा का संकल्प लिया गया है तो पीरियड्स के दौरान आप दूर बैठकर उस धार्मिक काम को किसी अन्य व्यक्ति के जरिए करवा सकती हैं। पीरियड्स के दौरान भी व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे में प्रभु के मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा मनन करें। किसी विशेष पाठ का जाप करना चाहती हैं तो फोन के जरिए पाठ पढ़ सकती है। पीरियड्स के दौरान स्वच्छता का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर ही मंत्र और पाठ करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीरियड्स वाले दिनों में महिलाओं को सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं? सिंदूर, जिसे कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है, इसे मुख्य रूप से विवाह का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू शादी की रस्म तभी पूरी होती है जब वह मंडप में वधू की मांग में सिंदूर लगाता है। सिंदूर को विवाह का प्रतीक माना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने माथे के बीच से सिर के मध्य तक बालों के बीच में सिंदूर लगाती हैं। दरअसल यह प्रथा सदियों से चली आ रही है और मांग में सिंदूर लगाना सुहागिनों के मुख्य श्रृंगार में से एक माना जाता है। अधिकांश हिंदू विवाह समारोहों में सिंदूर लगाने की रस्म सबसे महत्वपूर्ण रीति रिवाजों में से एक होती है, और शादी के बाद भी सिंदूर लगाने के नियम होते हैं, जिसे हर एक सुहागिन स्त्री ध्यान में रखती है। चूंकि सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है, इसलिए महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के साथ मांग में सिंदूर लगाती हैं। भक्तों, शास्त्रों में तो सिंदूर लगाना बेहद ही शुभ माना गया है, लेकिन पीरियड्स के दौरान जो विवाहित महिलाएं होती हैं उन्हें अशुद्ध माना जाता है। इसलिए कभी भी शादीशुदा महिलाओं को पीरियड्स में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहली बार करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिला या जिनका रिश्ता तय हो गया है तो वहीं स्त्रियां यह व्रत रख सकती हैं। अगर जो महिला अपने पति से लड़ती झगड़ती है तथा नफरत करती है तो उसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह त्योहार प्यार का है, नफरत का नहीं।
इसीलिए पति पत्नी में प्यार होना बहुत जरूरी है दोस्तों। करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक चांद निकल जाए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पत्नी अगर बीमार है तो उसकी जगह पति यह व्रत रख सकता है, और वही किसी महिला को अगर मासिक धर्म आ जाए तो वह महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वह घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहे तो अपने पति से भी पूजा करवा सकती है। ऐसे में आप कथा भी सुन सकती हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा को स्पर्श न करें। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करते चले आ रहे हैं, परंतु ईश्वर की प्रतिमा को स्पर्श न करें। मासिक धर्म में व्रत रखने की मनाही नहीं है, या आप मासिक धर्म को रोकने के लिए मेडिसिन भी खा सकते हैं जिससे आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, वहीं गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत रख सकती है। दोस्तों, आज की शास्त्रों संबंधित वीडियो में यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।